हमीरपुर शहर के साथ डांग क्वाली चौक पर बाइक व कार की टक्कर के बाद बड़ा विवाद पैदा हो गया। टक्कर मारने के बाद गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया, जबकि कुछ लोगों ने वहां खड़े यातायात के जवान पर गाड़ी को वहां से भगाने के आरोप लगाए हैं। हालांकि यातायात कर्मी ने इससे साफ इनकार किया है। वहीं वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से गाड़ी का पता लगाया गया है। पुलिस ने गाड़ी का नंबर भी पता कर लिया है। हादसे में स्कूटी सवार को चोटें आई हैं, उसे निजी गाड़ी के माध्यम से क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद कोई व्यक्ति स्कूटी चालक के पक्ष में उतर गया तथा यातायात कर्मी से बदतमीजी करने लगा। बताया जा रहा है कि उसने कर्मी के साथ हाथापाई भी शुरू कर दी थी। हालांकि बीच बचाव में वहां पुलिस पहुंच गई। व्यक्ति गाली गलौज कर रहा था। गाली गलौज कर रहे व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब इसका मेडिकल करवाया जा रहा है। मेडिकल में शराब पीने की पुष्टि के बाद पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी। फिलहाल स्कूटी सवार को इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेजा गया। इसके साथ ही हुड़दंग मचाने वाले का मेडिकल होने के बाद आगामी कार्रवाई शुरू होगी। पुलिस चौकी प्रभारी बस स्टैंड हमीरपुर प्रवीण कुमार ने बताया कि घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि दूसरे व्यक्ति का मेडिकल करवाया जाएगा। टक्कर मारकर फरार हुई गाड़ी का जल्द पता चल जाएगा। अब पुलिस यहां की सीसीटीवी फुटेज जांचेगी। हालांकि लोगों व यातायात कर्मी ने गाड़ी का नंबर बता दिया है। आगामी कार्रवाई की जा रही है।